सो नाइस टू सी यू. सेम यस. बैठिए बैठिए. आपको कैसा लगा हमारा गाना? अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत. हाँ, अल्फाज अच्छे लगे, अमिताभ भट्टाचार्य जी ने जो लिखे हैं. यस ऑफ कोर्स. हाँ, पर से आप हैं तो और ज्यादा और ज्यादा अच्छा. हाँ, मुझे एक्चुअली इस गाने के बोल बहुत पसंद हैं. और मुझे बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आपके जिंदगी में ऐसे कोई मोमेंट्स आए हैं जैसे हम इस गाने में सुनते हैं, एक ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में जब आपको लगा हो कि ये जो गाना है जो आपको आपके दिल की चीज कह रहा है. बिल्कुल आया है सर. और ये स्कूल टाइम में भी आया था. और वो बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट. करेक्ट, फर्स्ट लव रहा है. हाँ. हाँ. और उसके बाद वाला जो आया है बड़े होने के बाद, जी, इट वॉज सो हॉरिबल. तो सॉरी. नहीं, होता है कभी कभी. हाँ, लाइफ में चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. जी. पर उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होती है? आप उस वक्त उससे डील कैसे करते हैं? बहुत ज्यादा टूटता है. हाँ, बहुत ज्यादा पेनफुल. और आई थिंक वो पेन सांस रुक जाती है, सांस थम जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है. हाँ. सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. हाँ. बट तो प्यार में ये क्या पावर है? ये क्या पावर है प्यार में कि जो हमको, जब हमारा दिल टूटता है तो हम उसको एक्चुअली वी कांट फंक्शन आफ्टर दैट. प्यार में पावर तो है सर. इसलिए बुद्धि काम करना बंद कर जाती है. हाँ जी. सो आई थिंक हर किसी इंसान के जीवन में वो टाइम आना, वो फेज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब तक वो फेज नहीं आता है तब तक आपको लाइफ में वो किक नहीं लगती है. जब आपका दिल टूटता है तो आपको एक्चुअली एक अलग किस्म की समझ आती है, इमोशनल समझ आती है उस मोमेंट की. और मैच्योरिटी आती है. या बट इट्स वेरी टफ व्हेन यू गोइंग थ्रू इट. आपको हंसी आई, दैट मींस आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए. नहीं, वो पता पता नहीं मुझे. अभी भी मैं झिलते रहता हूँ. मुझे बताइए आपको फर्स्ट लव के बारे में. बताइए आप क्या उम्र थी आपकी when you fell in love for the first time? Was in school. And जिससे प्यार हुआ था वो मुझसे बड़ा था. He was in 9th and I was in class 7th. और उसको मैं भैया बोलती थी. और हमारे प्यार की शुरुआत हुई. और नया नया वाला क्रश था मेरा. और वही टाइम पे उसने प्रपोज किया मुझे. और उसने बोला कि wow. हाँ, हम लोग शादी करते हैं डायरेक्ट. एंड आई वाज लाइक, शादी क्या क्या करेंगे शादी करके. और फिर उसने अपने घर में डिस्कस किया. उसके घर अच्छा. से उसके पेरेंट्स आए मिलने मुझे. हाँ जी हाँ जी, स्कूल में आए. ये फर्स्ट? हाँ, बहुत क्यूट क्यूट वाला. wow. और उसने, चूंकि बहुत जिद्दी था वो. अच्छा. तो उसने बोला मुझे शादी करनी है और अब भी करनी है शादी इन अ मंथ. और जब उससे बात हुई कि तुम कैसे रखोगे अगर तुम शादी करोगे. So he was madly in love with you. या, और मेरे तरफ से सिर्फ क्रश वाला था, अट्रैक्शन वाज देयर. और उसने बोला मैं पेट्रोल पंप पे काम करूंगा. बट मैं मतलब आई अर्न मनी, व्हाटएवर इट इज, आई विल वर्क इन अ पेट्रोल पंप, बट वी विल लिव टुगेदर. या या, उसके जज्बात तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. या, इट वाज सो क्यूट. बट कुछ समय बाद वो टाइम तो समझ नहीं आया. लेकिन आई थिंक एक साल बीत जाने के बाद मुझे उसकी याद आने लगी. और मुझे लगा कि वो हाथ से गया और अब वो वापस नहीं आएगा. सो आज भी मिस करती हूँ उसे. अच्छा. कहीं ना कहीं तो एक्चुअली इस कहानी में उसका दिल टूटा है. ये जो गाना है उसके लिए, एक्चुअली आपके लिए नहीं है. आपने उसका दिल तोड़ा. बट व्हाट इज नाइस इज कि आप उस बात को याद रखते हो और आपको भी, आपके अंदर ये फीलिंग है कि आपने शायद किसी का दिल दुखाया है. एंड यू मिस दैट. एंड यू, चलिए अगर आपकी बात वो सुन रहा है तो ही विल फील हैप्पी दैट यू रिमेंबर हिम विद सच लव एंड फॉन्डनेस. ट्रू, ही वाज सो क्यूट. दैट्स सो वंडरफुल. सर, मेरी कहानी तो छोड़िए, मुझे आपसे जानना है. क्या आपका वो क्यूट वाला मोमेंट या वो सैड वाला पार्ट? मैं सोच रहा हूँ मैं एंड में बोलूँ, पहले मैं आप लोग से पूछूंगा. वेरी स्मार्ट. हाँ, पहले मैं आप लोग से पूछूंगा एक एक करके, फिर मैं बताऊंगा. मेरी एक्चुअली लव स्टोरीज में कॉमेडी बहुत है. अच्छा. हाँ.
तो बट हाँ एंड देन विच इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर ग्रोन अप दैट यू नो व्हेन यू फेल इन लव व्हेन यू डीपली इन लव. डीपली इन लव वाज आई थिंक वी डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक, यू डोंट हैव टू गिव नेम्स, जस्ट या या आई डोंट, वो है ही नहीं, वो अब जीरो है. सो इट वाज सो हॉरिबल सर, वो पेन मैं वापस पलट के भी नहीं देखना चाहती. सो मैं समझ सकता हूं लाइक दैट, यस. बट इट वाज सो ब्यूटीफुल इनिशियली, राइट. एक दो महीने वाला फेज बहुत अच्छा अच्छा था. और इससे इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या गहरी चीजें सीखने को मिली जो आप आइंदा नहीं दोहराना चाहेंगी, और समथिंग योर समवन हु इज नाउ मोर मैच्योर एंड वाइजर? बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में एक अच्छे मतलब जिंदगी का तकाजा कह सकते हैं शायद वो मिला, और बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ के बारे. सो आई एम मच मोर फोकस्ड. You're in a good space today. Yeah, yeah. I'm very so good. Happy. That's so nice. I'm so happy. That's so nice. And I'm working hard also. For myself. That's so nice. For my parents. That's very nice. So I'm so happy to hear that. I'm so happy to hear that. Please give my love and regards to your parents and your family. Sure, sir. and we'll meet again and chat again. Yeah. And फिर मैं बाद में बताऊंगा मेरी कहानी, आप भी बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी. ठीक है, ठीक है. Thank you so much. Thank you very much. Nice to meet you. Pleasure. So guys, let me see what people are saying. आप लोग मुझे बताइए, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ मुझे. अमित सर, विच पार्ट द